फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सेम डिजाइन। तो दोस्तों, आज एक जो है बहुत ही बढ़िया सा वीडियो लेके आया हूं। आज का जो वीडियो है आप देख पाओगे सॉलिडवर्क्स में कैसे मोल्ड डिजाइन बनाना है उसके ऊपर जो है आज का वीडियो है। तो आज का जो वीडियो है बेसिकली आप देख पाओगे इंसर्ट हिसाब से मैं बनाऊंगा, इंसर्ट के हिसाब से किस तरीके से मोल्ड डिजाइन बनाना है, उसकी कूलिंग वगैरह कैसे होती है, इसकी गेटिंग वगैरह कैसे होते हैं उसके ऊपर होगा। तो सबसे पहला जो वीडियो होंगे वो वीडियो होंगे आपकी कोर के भी कैसे एक्सट्रैक्शन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख पाओगे जो मेरा कंपोनेंट है थोड़ा सा टिपिकल कंपोनेंट है, यहाँ पे स्लाइडर वगैरह भी आएगा। तो स्लाइडर ब्लॉक वगैरह कैसे बनानी है, क्या पैरामीटर से लेके बनाना होता है, कितना साइज वगैरह देना होता है, तो सारा चीजें मेंशन करूंगा। और जो यहाँ पे देख पाओगे इसको कोर के भी कैसे एक्सट्रैक्शन करना है, मैनुअली बनाना, वो मैं सिखाऊंगा इस वीडियो में। तो आज का जो वीडियो है बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। जो वीडियो है लास्ट तक जुड़े रहना। जिसको भी क्लासेस वगैरह चाहिए तो जिसे नंबर मेंशन दे वहाँ पर जाके कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। इसी तरीके से क्लासेस वगैरह देता रहता है, अलग अलग तरीके से ऑफर वगैरह चलता रहता है। इनएक्स में भी मोल्ड डिजाइन कराता हूँ मैं, सॉलिडवर्क्स में भी कराता हूँ। जिसको भी कुछ क्वारीज वगैरह है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते और मेरा नंबर मेंशन है वहाँ पर जाके कॉन्टेक्ट कर सकते। तो बेसिकली जो वीडियो होंगे तो आज ये वाला पार्ट के ऊपर होंगे। तो ये वाला पार्ट जो हम कैसे पहले पार्ट को अलाइन करना है, क्या क्या पैरामीटर देखोगे, उसके हिसाब से कैसे उसकी सेट करोगे, ठीक है। तो हर एक चीज इसके हम वीडियो में डिस्कस करने वाले। तो चलिए शुरू करते हैं, वीडियो को लास्ट तक देखना क्योंकि बहुत कुछ चीजें इसमें सीखने को मिलेंगे, बहुत कुछ चीजें आपको नया मिलेंगे, जो चीजें अलग वीडियो में नहीं मिल पाएंगे। तो लास्ट तक देखना, जुड़े रहना। किसी भी कुछ पूछना होगा तो कमेंट सेक्शन में जाके आप पूछ सकते हो। जिसको भी डायरेक्ट बात करना होगा मेरा नंबर मेंशन थे, डायरेक्ट आप बात कर सकते हो। तो दोस्तों, सबसे पहले जो है आपके पार्ट अलाइन होना चाहिए, सेंटर पे होना चाहिए। जब भी आप स्केच लोगे तो हमेशा पार्ट आपके सेंटर पे होना चाहिए। तो बेसिकली यहाँ पे जो है दो केविटी का मोल्ड बनाने हैं, लेकिन मैं जो यहाँ पे आपको सिंगल केविटी का बना के दिखाऊंगा, क्योंकि डबल केविटी में बनाऊंगा तो टाइम ज़्यादा हो जाएंगे और वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो सबसे पहले अपने को इसकी जो है अलाइनमेंट करना है, अलाइन ऑलरेडी हो चुका है। तो उसके बाद जो है यहाँ पे मैं श्रिंकेज डालूंगा, श्रिंकेज जो है मैं एबीएस में डालूंगा। तो एबीएस का आप देख पा रहे हो मैं यहाँ पे एबीएस की डाल चुका हूँ, ठीक है। उसके बाद आपको ये देखना है पार्ट जो है पहले आपको एनालिसिस करना है। एनालिसिस करने से पहले यहाँ पे 3 डिग्री है तो प्लास्टिक में 0.5 से लेके 3 डिग्री का ड्राफ्ट होता है। तो यहाँ पे लेने के बाद इसको मैं सिलेक्ट करूंगा और जो यहाँ पे टॉप लेन को लेना है, जैसे आप देख पाओगे तो सारा चीजें मेरा ठीक है, यहाँ पे कोई ड्राफ्ट वगैरह नहीं है। तो इसको जो है हम केविटी में लेना है, कोर में लेना है, वो अपने अकॉर्डिंग ले सकते हो। इसको कोर में लूंगा तो ज्यादा बेहतर है, केविटी में लूंगा क्योंकि यहाँ पे पार्ट को भी देखना पड़ेगा। यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है तो फंसने का कोई चांस नहीं, यहाँ पे बराबर ऐसा जो है आर्टिकल खड़ा होगा। तो इसको मैं केविटी में भी ले सकता हूँ, तो इसको मैं केविटी में लूंगा। अगर मेरे पास पार्ट में यहाँ पे जैसे रिप्स बॉस वगैरह नहीं होता, प्लान प्लान वगैरह होता, तो उस केस में मैं उसको जो है कोर में लेता। तो इस केस में मैं कहाँ पे लूंगा, केविटी में लूंगा, ठीक है। तो हमने पार्ट देख लिया, पार्ट ओके है, तो हम जो इसकी ड्राफ एनालिसिस वगैरह कर लिया। अब उसके बाद आपको ये देखना है जो आपकी सरफेस है जो पार्ट के वो कैसा है। आप जैसे आप देख पाओगे सरफेस वगैरह ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है, तो यहाँ पे हम देख लिए। उसके बाद जो है सबसे पहले देखो, हमेशा एक चीज ध्यान रखना है, जब भी कोर केविटी निकालते हो हमेशा केविटी के पोर्शन को लेके बनाना, क्योंकि केविटी में बहुत सारा चीजें नहीं होता है। कोर में बहुत रिव्स बॉस वगैरह बहुत ज्यादा भरे रहते हैं, तो उसको सिलेक्ट करने में बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे केविटी केविटी लेके बनाएंगे। तो सबसे पहले मैं मैनुअल बनाऊंगा, मोल्ड टूल से नहीं बनाऊंगा क्योंकि मैनुअल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, सबसे पहले जो है मैंने पार्टिंग लाइन मेरा डिसाइड हो गई, ये मेरा पार्टिंग लाइन बनेंगे, है ना। यहाँ पे मेरा स्लाइडर चलेंगे, स्लाइडर को कैसे बनाना है, इसकी ब्लॉक कैसे बनाना है वो भी बता दूंगा मैं आपको। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, मोल्ड टूल में जाऊंगा, जाने के बाद मैं यहाँ पे ऑफसेट सर्फेस में जाऊंगा। ऑफसेट सर्फेस में यहाँ पे जीरो कर लूंगा, जीरो करने के बाद यहाँ पे राइट क्लिक करके यहाँ पे जैसे आप यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर दे रहा हूँ, और राइट क्लिक करके यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर दूंगा। उसके बाद जो है यहाँ पे सिलेक्ट टेंजेंसी ले लूंगा। टेंजेंसी करने में फायदा क्या होता है, जितना भी टेंजेंट सर्फेस है वो ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे भी सिलेक्ट टेंजेंसी लूंगा, लेकिन यहाँ पे टेंजेंसी नहीं ले पाऊंगा मैं क्योंकि यहाँ पे एक ही सरफेस है, ठीक है। और यहाँ पे ले सकता हूँ मैं सिलेक्ट टेंजेंसी। तो बेसिकली जितना भी टेंजेंट सरफेस है आपको एक एक करके सिलेक्ट करना है, तो यू कैन सिलेक्ट। और यहाँ पे देखो, जब भी ऑफसेट सर्फेस बनाते हो तो ऑफसेट सर्फेस को आपको एक ही रखना है, आपको 2-3 ऑफसेट सर्फेस में नहीं रखना होता है। क्यों, कभी कभी क्या होता है, जैसे एक वाला कमांड में मैंने ये सिलेक्ट कर लिया, दूसरा कमांड में मैंने ये सिलेक्ट किया, गलती से मैंने ये भी सिलेक्ट कर लिया, तो वहां पे डबल सर्फेस आएंगे। अगर डबल सर्फेस आएंगे तो वहां पे आप जो है काम नहीं कर पाओगे, मतलब आपका स्यू नहीं हो पाएगा। तो ये ध्यान रखना है कि कभी भी जब भी बनाओ मोल्ड डिजाइन में तो ऑफसेट सर्फेस हमेशा एक ही रखना है, ठीक है। तो इसी तरीके से हम जो है इस पार्ट की जो इंटरनल ऑब्जेक्ट्स है इसको हम सिलेक्ट कर लेंगे लाइक दिस। एक एक सरफेस को सिलेक्ट करना है, कभी भी कुछ सरफेस मिस नहीं करना है, ध्यान से सिलेक्ट करना। अगर थोड़ा टाइम ज्यादा लग जाए कोई दिक्कत नहीं है, आपको एक एक पर्टिकुलर सरफेस को सिलेक्ट करना पड़ेगा, ओके। सो वी कैन सिलेक्ट ऑल द
सरफेसेस ओके। उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे हमने सिलेक्ट कर ली, ये भी सिलेक्ट कर ले, अब अपने को ये वाला सरफेस जो है सिलेक्ट करना है। तो हम जो है एक एक करके सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। लाइक अभी हम वो ओके नहीं करना है, ठीक है। तो मैं जो है एक एक करके जितने भी सरफेस है मैं सिलेक्ट कर लूंगा, ठीक है। तो मेरा यहाँ पे जितना सरफेस है वो सिलेक्ट हो रखा है, यहाँ पे भी मेरा जितना सरफेक्ट है सिलेक्ट हो रखा है, यहाँ पे भी मेरा जितना सरफेक्स है वो सिलेक्ट हो रखा है, ठीक है। तो सिलेक्ट हो रखा है सब में, तो इसको मैं सिंपली ओके कर दूंगा। लेकिन ये बाकी है तो इसको फिर भी मैं ओके कर देता हूँ। क्यों, कभी अगर ज्यादा सरफेस सिलेक्ट करने जाते हो ना तो हमेशा सेफ्टी लेके चलना। सेफ्टी इन द सेंस क्या है, क्योंकि मेरे को इसको सिलेक्ट करने के लिए मुझे गलती से कहीं कुछ हो जाएगा ना तो दोबारा सिलेक्ट करना पड़ सकता है। तो इस केस में मैं राइट क्लिक करूंगा, सिलेक्ट टेंजेंसी इसके ऊपर रखना है, फिर इसके ऊपर आना है, फिर राइट क्लिक करके सिलेक्ट टेंजेंसी, फिर इसके ऊपर आना है राइट क्लिक करके। देखो मैंने यहाँ पे ओके कर दिया। क्यों ओके कर दिया, क्योंकि यहाँ पे मेरा जो माउस है वो ज्यादा स्पीड चल रहा है और मेरा जो यहाँ पे सिस्टम है थोड़ा कम स्पीड में चल रहा है। तो राइट क्लिक करने के बाद सिलेक्ट टेंजेंसी, उसको थोड़ा रुक लेना, फिर उसके बाद राइट क्लिक करके सिलेक्ट टेंजेंसी अगेन। ये जो आ रहा है, ये जो मार्क सीन आ रहा है वो नहीं आना चाहिए, फिर इसमें आ जाओ, राइट क्लिक करके सिलेक्ट टेंजेंसी अगेन, राइट क्लिक करके देखो यहाँ पे नहीं आ रहा है, यहाँ पे आना पड़ेगा, ठीक है। सिलेक्ट टेंजेंसी राइट क्लिक करके देखो यहाँ पे राइट क्लिक करूंगा तो ये ओके हो जाएगा। सिलेक्ट टेंजेंसी थोड़ा सा रुक देना, उसको रुकने देना, फिर उसके बाद ये इसमें आ जाओ आप, राइट क्लिक करके सिलेक्ट टेंजेंसी, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया, यहाँ पे आएंगे राइट क्लिक करके सिलेक्ट टेंजेंसी। तो सारा चीजें हमने यहाँ पे एक एक करके मैन्युअली जो है सिलेक्ट कर ले। एक बार देख लेना कहीं पे कुछ चीजें रह नहीं जाना चाहिए, ये ध्यान रखना। तो हमने जो है यहाँ पे ऑफसेट सरफेस जो है जितने भी थे हमने सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। अब जो ये फ्रंट प्लेन है इसको मैं हाइड कर देता हूँ और राइट प्लेन को मैं हाइड कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा जो ऑफसेट सरफेस है वो यहाँ पे आप शो कर पा रहे हो, ठीक है, यहाँ पे आ गया है। उसके बाद जो है हम जो है यहाँ पे रूल सरफेस यूज कर सकते हैं। रूल सरफेस आपको यूज करना नहीं है, रूल सरफेस में दिक्कत होता है। क्या दिक्कत होता है, जैसे मैं यहाँ पे मेरा जो एज है ये मेरा एज नहीं होगा बेसिकली, इसको मैं हटा के ये मेरा ये वाला सरफेस होगा और यहाँ पे मैं ये वाला कमांड यूज करूंगा। यहाँ तक तो आप देख पा रहे हो, जैसे कोई दिक्कत नहीं है, है ना। ये वाला सरफेस को हम रिवर्स डायरेक्शन करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो एक तो ये वाला प्रॉब्लम आता है, दूसरा चीज रूल सरफेस में दिक्कत क्या आता है, आपको ये पता होना चाहिए मैं कौन सा सर्फेस कहाँ पे यूज करूंगा। रूल सर्फेस और देखो मैं बता रहा अभी, ये जो एज है एज में आपको 90 वाला प्लान लेना है और यहाँ पे आप जैसे ये देख पाओगे, ये देख पाओगे, देखो ये जो है किस तरह भाग जा रहा है ना। ये चीजें एक तरीके से दिक्कत है कि किस तरीके से भाग जा रहा है, ठीक है। अब भाग जाएगा, इसको मैं ओके करूंगा तो यहाँ पे लाइंस दिखेंगे, मुझे लो लाइंस नहीं चाहिए। तो इस केस में मैं जो यहाँ पे यूज करूंगा रेडिएट सर्फेस का यूज करूंगा, रेडिएट सर्फेस का यूज करूंगा, 200 mm लूंगा और यहाँ पे जो मैं यहाँ पे ये वाला प्लान ले लूंगा। इसमें भी आपको ये करना है, रेडियस सर्फेस में 90 होना चाहिए, 90 ही होना चाहिए, 90 इसीलिए होना चाहिए, यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर लो, ठीक है, एक एक करके ये भी सिलेक्ट कर लो आप। लेकिन यहाँ पे देखो ये जो है, ये जो बाटिंग दे रखा हूं मैं, इस बाटिंग को मैं वहां तक नहीं रखूंगा, इसको मैं खत्म करूंगा। किस हिसाब से खत्म करूंगा अब आपको पता लग जाएगा, थोड़ा सा ध्यान रखने वाला चीज है। अगर ये देखो ये इसको बोलते हैं प्रोफाइल पार्टिंग लाइन, ये जो प्रोफाइल होता है ना इसको बोलते हैं हम प्रोफाइल पार्टिंग लाइन। प्रोफाइल पार्टिंग लाइन में आपको किस तरीके से प्रोफाइल को खत्म करना है, कहाँ पे खत्म करना है, क्योंकि ज्यादा प्रोफाइल रखोगे तो मशीनिंग में ज्यादा टाइम कंज्यूम होंगे, राइट। तो उसको हम किस तरीके से खत्म करेंगे उसके ऊपर मैं बताऊंगा अभी। तो यहाँ पे आप देख पाओगे जो है मेरा पार्टिंग आ गया है। तो मैं क्या करूंगा, मेरा जो पार्ट है इसको मैं यहाँ से हाइड कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे जितना भी देख पा रहे हो ये जो दोनों सरफेस है, ये जो दोनों पार्टिकुलर सरफेस है, इसको मैं एक कलर में कर दूंगा, सरफेस को एक कलर कर दूंगा मैं, ठीक है। यहाँ पे एक कलर में इसको आइडेंटिफाई कर दिया। अब वो आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे जो सरफेस है इसको खत्म करना है, कोशिश ये करना है जो जितना भी एजेस है ना उसको प्लेनर सरफेस से खत्म करो। प्लेनर सरफेस से खत्म करने से क्या होता है, प्लेनर सरफेस से खत्म करते हो ना तो इसमें मशीनिंग का एनमिल चला सकते हो आप, एनमिल जो टूल होता है उसमें चला सकते हो। एनमिल क्या होता है, बोलनोस क्या होता है, बुलनोस क्या होता है, अगर किसी को नहीं पता तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं बता दूंगा उसको या अलग से उसका फीचर डाल दूंगा। क्योंकि जब भी आप पार्टिंग लाइन बनाते हो ना तो आपको ये सारा चीजें ध्यान में रख के बनाना होता है कि मैं कहाँ पे बुलनोस चलाऊंगा, कहाँ पे एनमिल चलाऊंगा। कोशिश ये करना है कि ज्यादा से ज्यादा आप जो है एनमिल चलाओ, ठीक है। पहले जो है हम बुल चलाएंगे, उसके बाद जो है हम एन चलाएंगे। जितना आप बोलनोस चलाओगे इतना आपका मशीनिंग का टाइम ज्यादा बढ़ेंगे। तो मशीनिंग का टाइम अपने को बढ़ाना नहीं है, मशीनिंग का टाइम अपने को घटाना है। आपको क्या करना है, ज्यादातर आपको प्लेनर सरफेस लेना है, ठीक है, और हमेशा परपेंडिकुलर वाला सरफेस यूज करना है। जो भी आप
जो भी आप सरफेस बनाते हो, जो भी आप एक्सिस रेफरेंस लेते हो, हमेशा परपेंडिकुलर होना चाहिए, मतलब 90 होना चाहिए। 90 जितना होंगे वो आपके सेविंग उतने होंगे, ठीक है। अगर आपको 2 घंटा आप मशीनिंग में सेविंग कर रहे हो, दैट मीन आप बहुत कुछ चीजें सेविंग कर रहे हो, आप कॉस्ट सेविंग कर रहे हो, आप टाइम सेविंग कर रहे हो, आप इफिशियंसी सेविंग कर रहे हो, बहुत कुछ चीजें आप सेविंग कर सकते हो। तो जब भी पार्टिंग बनाओगे तो वो सारा चीजें जो है क्राइटेरिया आपको ध्यान में रख के बनाना है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे हम जो है मैं प्लेनर से इसलिए यूज करता हूँ, मैं यहाँ पे फील्ड सर्विस वगैरह भी यूज कर सकता हूँ। फील्ड सर्विस में क्या ऑप्शन आती है आपकी, फील्ड सर्विस आपका ये ऑप्शन आता है जब भी आप फील्ड सर्विस यूज करते हो वहाँ पे टेंजेंट वगैरह लेने का ऑप्शन आता है, लेकिन यहाँ पे हम जो है क्यों यूज करेंगे, सीधा हम यहाँ पे इलेक्ट्रोड से मशीनिंग करेंगे। यहाँ पे ज्यादा जगह होगा तो मैं एनमिल चला सकता हूँ, फ्लैट एरिया है, ठीक है। और अब देख पाओगे ये मेरा हो गया, अब मेरा जो ये सारा सर्फेस है इसको खत्म करना है, बार बार नहीं करना है, एंटर दबाना है, ऑटोमेटिकली वो आपके पास आ जाएगा, ठीक है। एंटर ऑटोमेटिकली आपके पास आ गया, फिर उसके बाद जो है यहाँ पे ओके करना है, एंटर आ गया, सिलेक्ट करना है, फिर राइट क्लिक कर देना है, ऐसे भी हो जाएगा आपका। एंटर सिलेक्ट करना है, यहाँ पे राइट क्लिक कर देना है, ऑटोमेटिकली ऐसे भी हो जाएगा। अब देखो एंटर, यहाँ पे राइट क्लिक करा, फिर क्या करूंगा, टेंजेंट सिलेक्ट, टेंजेंसी एंटर, ठीक है। एंटर इसको सिलेक्ट करा, राइट क्लिक करा, यहाँ पे इसके ऊपर ले आना है, ऊपर लेके सिलेक्ट करना है, ठीक है। क्या हो गया यहाँ पे, फिर यहाँ पे जाके हम ओके कर देते हैं, एंटर राइट क्लिक करा, सिलेक्ट टेंजेंसी एंटर, ठीक है। एंटर मतलब राइट क्लिक कर सकते हो, यहाँ पे राइट क्लिक का ऑप्शन आपको माउस में दिखाएगा, राइट क्लिक करा, देखो यहाँ पे मैं आया, एंटर करना, पहले एंटर करना है, ठीक है। यहाँ पे देखो आपको ऊपर आना है, ऊपर आने के बाद यहाँ पे क्या करना है आपको, सिलेक्ट करना है सिंपली, एक एक सिलेक्ट करोगे ऐसे टाइम ज़्यादा लगेंगे आपको, ऐसे आपको टाइम ज़्यादा लगेंगे। आपको क्या करना है, एंटर करना है, और जो पहला वाला कमांड है वो ऑटोमेटिक आएंगे, उसके ऊपर ले आना है राइट क्लिक करके, फिर सिलेक्ट टेंजेंसी, ठीक है। यहाँ पे माउस में ऑप्शन मिलती है, वहाँ पे अगर राइट क्लिक करते हो वैसे भी कर सकते हो। कभी कभी क्या होता है आपके पास एक चीज़ें बार बार करते हो तो थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है, सिलेक्ट टेंजेंसी, देखो माउस में ऑप्शन आ रहा है, राइट क्लिक कर दो, अगेन एंटर दबाया, इसके ऊपर ले आया, राइट क्लिक करा, सिलेक्ट टेंजेंसी एंटर, राइट क्लिक कर दिया माउस में, एंटर करा, कमांड आ गया आपका, यहाँ पे ऊपर ले आओ, उसके ऊपर हाईलाइट होना चाहिए, राइट क्लिक करो, टेंजेंसी लाओ, एंटर कर दो माउस में, ठीक है। एंटर दबाया, कमांड आ गया, ऊपर ले आया, ऊपर लेने पे माउस की राइट क्लिक करना है, कर दिया, सिलेक्ट टेंजेंसी आ गया, अब माउस में राइट क्लिक करके इसको ओके कर देना है, हो गया। तो आपका क्या है, सारा चीजें हो गया। अभी आपको क्या करना है, इसको आपका जो इसको है नीट करना है। नीट क्यों करना है, ये बहुत जरूरी है, नीट क्यों करने के लिए आपको इसको सिलेक्ट करना है, और नीट जब करोगे ना तो हमेशा ये ध्यान रखना है बाहर से ले आना है इसको, ठीक है। करने के बाद यहाँ पे हम इसको ऑन कर देते हैं, नीट करने से ये एक तरीके से सीयू हो गया आपका, ठीक है, एक तरीके से सीयू हो गया। आपको मैंने क्या बताया था, मैंने आपको बताया था ये जो हम बनाएंगे सिंगल केविटी में बनाएंगे, ठीक है। अब ये जो मैंने नीट करा है, ये जो मेरा सरफेस है, इसको मुझे अनसीयू करना पड़ेगा, अनसीयू करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे जो सरफेस है, जो आपकी सरफेस है मैंने यहाँ पे ज्वाइन कर रखा है, इसको मुझे खत्म करना पड़ेगा, ठीक है। खत्म कैसे करना है उसके बारे में अलग से बताऊंगा अभी, पहले इसको वीडियो को आप देखो। अभी ये मेरा 90 है, तो यहाँ पे मैं सिंपली स्केच ले सकता हूँ, देखो मैं स्केच ले सकता हूँ, क्यों, क्योंकि ये मेरा जो है 90 सरफेस है, 90 सरफेस में हमेशा काम करना है आपको। अब उसके बाद जो है मैं यहाँ पे सेंटर पॉइंट लेके यहाँ पे एक रेक्टेंगल बनाऊंगा। मैं इसको सिंगल केविटी में बना दे रहा हूँ, मल्टी केविटी में नहीं बना रहा हूँ, ठीक है, क्लियर है, समझ लो आप लोग। तो यहाँ से जो है इसको हम जो बनाएंगे, देखो जितना भी ब्लॉक आएंगे मेरा 400x400 ब्लॉक आएंगे, तो मेरा 4 mm जो है पेपर में या सिलिंडर ग्राइंडिंग में खत्म हो जाएगा। तो मैं कितना लूंगा, 396 का ले लूंगा यहाँ पे, लेकिन वो सीधे यही पे भी अप्लाई करना है, तो यहाँ पे 350 होगा, 350 माइनस 6 mm में 4 mm कर सकते हो, तो वैसे ऐसे करके इसको माइनस करके खत्म करना है, ठीक है। तो इसको मैं अगर जैसे 350 है, इसको मैं अगर 300 माइनस 6 करता हूँ तो मेरा कैसे होता है, ये भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे भी सफिशियंट मटेरियल है आपका, इसको भी मैं यहाँ से वो कर देता हूँ। अब ये जो 350, ये बहुत गैप है, बहुत ज़्यादा गैप है, इसको मैं अगर कम कर दूँ, मतलब लाइक 300 डिवाइड माइनस 6 अगर कर दूँ तो फिर भी परफेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे मैं आराम से गाइड पिलर वगैरह में ले आ सकता हूँ, तो दैट इज़ परफेक्ट। इसको आपको इस तरीके से रखना है, ठीक है, इसको मैंने इस तरीके से लाना है। आपको लाने की बात, एक आपको ये काम करना है, ये जो सरफेस है ना इसको ट्रिम करना है आपको बेसिकली। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जाऊँगा, ये जो सिंपली स्केच है स्केच को सिलेक्ट करूँगा। स्केच को सिलेक्ट करने में आपका सरफेस आएंगे, ठीक है, सरफेस कहाँ आएंगे, नीचे से आएंगे आपका, ठीक है, परफेक्ट। इसको ओके कर देना है। ओके करने के बाद आपको क्या करना है, ट्रिम सरफेस में जाना है। ट्रिम सरफेस के बाद रिमूव सिलेक्शन, रिमूव सिलेक्शन कौन सा रिमूव करना है, इसको रिमूव करना है। तो जिसको रिमूव करना है यहाँ पे सिलेक्ट करके आपको ओके प्रेस करना है,
हो गया आपके काम यहाँ पे। अब जैसे ये वाला रिमूव करना है, ये अभी रिमूव हुआ नहीं, ये दिक्कत करेगा आपको। तो हम क्या करेंगे, ट्रिम में जाएंगे। ट्रिम में जाने के बाद क्या करना है, ट्रिम टूल, कौन सा टूल है ये, किसको हटाना है, हटाना किसको है, टूल कौन सी है, हटाना किसको है, ठीक है, इसको हटाना है। अब यह सिलेक्ट नहीं हो रहा है, क्यों, क्योंकि ट्रिम टूल आपका ये हो जाएगा, है ना, रिमूव सिलेक्शन कौन सा हो जाएगा आपका, ये वाला हो जाएगा, ठीक है। ये ध्यान से करना है, जिसको सर्फेसिंग अच्छा है एनएक्स में, सॉलिडवर्क्स में, वो बहुत बढ़िया से इसकी मोल्ड डिजाइन कर पाएगा, ये मेरा गारंटी है, ठीक है। अब मेरा इतना बड़ा प्रोफाइल बनाऊंगा, इतना बड़ा मैं अगर प्रोफाइल बनाऊंगा, इस प्रोफाइल में मेरे को दिक्कत हो जाएगी, है ना, बहुत दिक्कत होगा ना मुझे इस तरीके से बनाऊंगा तो मैं। तो यहाँ पे जैसे मैंने इसको अनट्रिम कर दिया, ठीक है, अनट्रिम करने के बाद इसको मैं अगर एक्सटेंड कर देता हूँ लाइक इस तरीके से, अगर मैं इसको एक्सटेंड कर देता हूँ, ठीक है, कंट्रोल जेड कर दिया मैंने, कंट्रोल जेड कर दिया, इस प्रोफाइल को यहाँ पे खत्म करना पड़ेगा आपको। क्यों खत्म करना पड़ेगा, क्योंकि इस प्रोफाइल को अगर खत्म नहीं करोगे आप तो फिर ये आगे आपको दिक्कत करेगा, माइनस 10 mm डिस्टेंस एजेस, ठीक है, बाद में दिक्कत करेगा, मतलब इन द सेंस मशीनिंग ज्यादा करना पड़ेगा आपको, इस एरिया में मशीनिंग ज्यादा करना पड़ेगा आपको, यहाँ पे बोल चलाना पड़ेगा, बोल चलेगा तो ज्यादा टाइम लगेगा आपको, तो इसको आपको यहाँ पे खत्म करना पड़ेगा, ठीक है। कैसे खत्म करोगे आपको, कैसे खत्म करोगे इसको, मैं आपको एक सिंपल तरीका से समझा देता हूँ। इसको खत्म करने से पहले हम जो है इसको फिल कर लेते हैं, उसके बाद जो है इसको करने में आपके लिए ज्यादा इजी हो जाएंगे। कैसे करना है, आपको सिंपली यहाँ पे जाना है, जाने के बाद प्लेनर लेना है। प्लेनर क्यों लेना है, ये हमेशा जो बाहर वाला प्लेट होता है ये हमेशा प्लेनर लेना है, 90 नहीं होगा ये तो ये काम नहीं करेगा। यहाँ पे ये हो गया, अब इसको हम जो है नीट सरफेस कर देंगे, ये नीट, और पूरा बाहर से लाना है इसको। लाने के बाद यहाँ पे क्यों सिलेक्ट नहीं हो रहा है, कहीं पे कुछ सिले हम सिलेक्ट करना पड़ गया, फिर क्रिएट सॉलिड करके इसको ओके कर देना है, हो गया। अब सेक्शन काट के देख लो, सॉलिड बन गया मेरा, हाँ बिल्कुल सॉलिड बन गया यहाँ पे। अब आपने वो करना कि यहाँ ये जो आपका पार्टिंग है ना, जिसको आपने बना रखा है, इसको आपको इतना बड़ा तो रखना नहीं है, क्योंकि बाटिंग जो देना है 20 mm का अप्रोक्सीमेटली बाटिंग रखना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे स्केच लेंगे, लेने के बाद इसकी टॉप जो है सरफेस ले लेंगे, टॉप लेंगे तो बॉटम ले लेंगे, ठीक है। बॉटम लेने के बाद यहाँ पे एक मैं जो है ब्लॉक बनाऊंगा, ठीक है, ये जो ब्लॉक बनाए। अब ये जो बाटिंग देना है, कितने mm का बाटिंग देना है, अप्रोक्सीमेटली यहाँ से जो है 80 mm बहुत ज़्यादा है, 20 mm सफिशियंट है, 20 mm का हमने बाटिंग दे दिया। अब बाटिंग देने के बाद इसको जो है मैं मार्स बॉडी करूंगा, ठीक है, मार्स बॉडी मतलब एक्सट्रूड के साथ आपको मार्स को ऑन कर लेना है, रिवर्ब रिवर्ब डायरेक्शन कर देना है, और उसके बाद आपको इसको ओके कर देना है, परफेक्ट। तो आपका ये जो है यहाँ पे हो गया है। अब ये जो रेडियस है, अभी रेडियस में अभी नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे यहाँ पे सबट्रैक करना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पे रेडियस में नहीं देना है। अब देखो ये मेरा क्या है, बटिंग जो है नीचे डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है, कोर मेरा बहुत बड़ा बनेगा, तो मैं यहाँ पे जो मेरा पिलर सेट बनाना पड़ेगा, गाइड पिलर, गाइड बुश बनाना पड़ेगा, वो मुझे यहाँ पे सबट्रैक करना पड़ेगा, ठीक है। बहुत ही इंटरेस्टिंग सा वीडियो है, लास्ट तक देखना, कुछ भी मिस मत करना, क्योंकि जिसको भी ट्रेनिंग वगैरह चाहिए कॉन्टेक्ट कर सकता है, क्योंकि इसी तरीके से मैं सिखाते रहता हूँ, और बहुत ही इंपॉर्टेंट कंटेंट है ये, 50-50 का, क्योंकि 300 का है तो मैं 30 का यूज करूंगा, यहाँ पे 55 का भी यूज कर सकता हूँ मैं, 55 इज ओके, हाँ, क्योंकि 55 किस हिसाब से लेना पड़ता है ये, क्योंकि अगर 300x300 है तो 30 का पिलर, गाइड पिलर यूज कर सकते हो, तो उसी हिसाब से उस बिहाफ में जैसे आप यूज करोगे, ठीक है। तो यहाँ पे रेडियस जो है अभी मैं यूज नहीं कर रहा, रेडियस क्योंकि रेडियस में आपको रिलीफ देना पड़ेगा, तो रेडियस जो है आप स्टार्टिंग से डिसाइड मत करो कि मेरे को इतना ही रेडियस देना है, हम क्या करेंगे रिलीफ देंगे, रिलीफ। अब रिलीफ क्या होता है ये मैं बताऊंगा अभी आगे थोड़ी देर में, ठीक है, ध्यान से देखना, कि वीडियो मिस करोगे तो बहुत कुछ ये समझ नहीं आएगा। तो यहाँ पे जाके हम जो है इसको मिरर एंट्री करेंगे, मिरर सर लाइन को हम जो है इसको मिरर कर देंगे अबाउट दिस लाइन, अगेन वी टेकिंग मिरर, ये this one, mirror about this line, okay? आपको क्या करना है, यहाँ पे जाके सबट्रैक कर देना है। सबट्रैक कितना mm करना है, इसको जो हम बोलते हैं ना बेसिकली, इसको जो हम देना होता है 10-8 mm देते हैं बेसिकली, तो यहाँ पे जो 10-8 mm जो है बहुत कम हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास जगह बहुत ज़्यादा है, क्योंकि मशीन ही होने वाला इतने एरिया, तो मैं यहाँ पे ज़्यादा दे पाऊंगा, तो इसको मैं एटलीस्ट 20 mm का मैं दे रहा हूँ, ठीक है, 20 mm का मैं यहाँ पे दे रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पे
एक तो देखो यहाँ पे मार्ज नहीं करना है, एक तो मार्ज नहीं करना है यहाँ पे, ठीक है। मार्ज क्यों नहीं करना है अभी मैं बताऊंगा। अब आपने वो करना क्या है, यहाँ पे इसको हाइड कर देना है। मैं यहाँ पे ड्राफ्ट यूज करूंगा, ड्राफ्ट, ठीक है। वहां पे ड्राफ्ट इसलिए नहीं दे पाया मैं, क्यों क्यों नहीं दे पाया मैं, क्योंकि वहां पे सारो फेस ड्राफ्ट हो जाएगा, सारो फेस में मेरे को ड्राफ्ट नहीं चाहिए, ठीक है। यहाँ पे अप्लाई कर दूंगा तो यहाँ पे ड्राफ्ट जो है बाहर की तरफ आ रहा है। आपको क्या करना है, ड्राफ्ट जो है देना है वो रिवर्स डायरेक्शन में देना है, ठीक है। इसको रिवर्स डायरेक्शन में देना है और इसका जो ड्राफ्ट देना है अप्रोक्सीमेटली 10 से 12 डिग्री का देना है। फेस सेम फेस, ये देखो अलग अलग है तो आपको अलग अलग करना पड़ेगा, ठीक है। ठीक है, ड्राफ्ट क्लिक करा, एक डिग्री नहीं 10 से 12 डिग्री। मैंने यहाँ पे लास्ट टाइम जो है 10 डिग्री दिया था, तो आपको सेम रखना है, कोई वो दिक्कत नहीं है, ठीक है। ड्राफ्ट, ड्राफ्ट में जाना है आपको, 10 डिग्री रखना है, फेस सिलेक्ट करना है, रिवर्स डायरेक्शन करना है और ये सिलेक्ट करके ओके कर देना है, ठीक है। अगेन जाना है यहाँ पे, थोड़ा सा समझने की कोशिश करना है क्यों दे रहा हूँ ये है। इसको देने पे आपका जो है फ्लैश आने का प्रॉब्लम बहुत कम हो जाएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है जब भी आप बनाते हो। अगर आपको वो बॉडी लाना है तो आप सॉलिड बॉडी में जा सकते हो, जाने के बाद जो है इसको फ्लो कर लो। करने के बाद आपको करना कुछ नहीं है, यहाँ पे जाके आपको सब्ट्रैक्ट कर देना होता है, ठीक है। तो सब्ट्रैक्ट कहाँ से मिलेगा, मुझे सब्ट्रैक्ट मिलेगा डायरेक्ट एडिटिंग में जाएंगे, कॉम्बाइन में जाएंगे, सब्ट्रैक्ट। तो बॉडी टू सब्ट्रैक्ट कौन सा वाला होगा, बॉडी टू सब्ट्रैक्ट होगा मेरा, यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो अगर वहाँ पे नहीं मिल रहा है आपको सॉलिड बॉडी में जाके ड्राफ्ट, तो यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हो और मेन बॉडी हो गया आपका ये वाला। हम इसको ओके कर देंगे तो ये जो आपका मेन बॉडी है, मेन बॉडी में आपको इसको क्लियर करके यहाँ पे मेन बॉडी में इसको सिलेक्ट करके आपको ओके कर देंगे। ये क्या हो जाएगा आपका, एक एक करके जो आपका पर्सन है वो गायब होते जाएंगे, ठीक है। मेन बॉडी, मेन बॉडी हो गया आपका ये वाला, और ये जो आपका बॉडी होगा ये वाला हो गया, सॉरी मेन बॉडी आपका ये हो गया, और जो कॉम्बाइन वाला बॉडी है आपका ड्राफ्ट वाला बॉडी ले लो। ये ध्यान रखना कभी कभी उल्टा हो जाता है, तो ये चक्कर में आपको ज्यादा दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि मेन बॉडी जो सब ये होगा आपका, मेन बॉडी जो हो जाएगा आपका ड्राफ्ट वाला सिलेक्ट कर लो, ठीक है। ज्यादा वो नहीं करना है आपको, सब्ट्रैक्ट में जाके बॉडी टू कॉम्बाइन ये और मेन बॉडी आपका हो गया ये वाला, सब्ट्रैक्ट मॉडल इज एम्प्टी, ओके। मेन बॉडी ये हो गया आपका, बॉडी टू कॉम्बाइन ये हो गया सब्ट्रैक्ट, ठीक है। अगेन मेन बॉडी आपका ये हो गया, बॉडी टू कॉम्बाइन ड्राफ्ट वाला बॉडी सिलेक्ट करके ओके कर देना है। आपका जो है यहाँ पे हो गया, बट यहाँ पे हमको रेडियस वगैरह यूज नहीं करना है। ऊपर से अगर एक बार देखोगे आप, देखो आपको रेडियस यूज नहीं करना है, क्योंकि क्यों नहीं करना है, क्योंकि हम यहाँ पे ड्राफ्ट रेडियस ऐड करेंगे, बस रेडियस में बहुत साइड आपका रिलीफ हो गए, तो हम उसमें जो रिलीफ यूज करेंगे और उसमें जो रिलीफ यूज करेंगे दोनों में डिफरेंस होंगे, तो आपको यहाँ पे यूज नहीं करना है, ठीक है, क्लियर है। अब देखो, अब मेरे को स्लाइडर निकालना है, स्लाइडर निकालने से पहले इसकी मैं पूरा ब्लॉक को बनाऊंगा, जो पूरी कोर केविटी है वो मुझे बनाना पड़ेगा, ठीक है। उसके पहले मैं क्या करूंगा, एक तो मैं पहले जो है यहाँ पे स्केच लूंगा, ठीक है। उसके बाद जो है यहाँ पे मैं कॉन्वर्ट एंटिटी कर दूंगा, सिंपली एग्जिट करूंगा और यहाँ पे इसको मैं एक्सट्रूड में ले जाऊंगा। एक्सट्रूड क्या करूंगा, मैं थोड़ा सा बढ़ा दूंगा, मैं रिवर्स डायरेक्शन में जाएगा और यहाँ पे जाने के बाद मेरा जो है ये हो जाएगा। उसके बाद जो है मैं फेस ये ले लूंगा, ठीक है। कैप की जगह यहाँ पे ऑफसेट का यूज करूंगा, ऑफसेट का यूज करने के बाद मैं यहाँ पे इसको इसी डायरेक्शन में ले जाऊंगा रिवर्स में, ठीक है। इतना इतना सा गैप होना चाहिए, ये ध्यान रखना है, ठीक है। इसको मैं अराउंड 100 mm ले लेता हूँ, क्योंकि कोर जो है मेरे को इतना बड़ा रखने की जरूरत नहीं है, 80 mm इज सफिशियंट, ठीक है। तो 85 mm कर देता हूँ मैं, क्लियर। ऊपर से मैं गैप रख रहा हूँ, ये ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखोगे यहाँ पे मार्ज हो गया, आपको मार्ज का ऑप्शन जो है इसको ऑफ करना है, जो आपकी मार्ज ऑप्शन है इसको ऑफ कर लेना है। अब ओके कर दो आप। अब वो आपको करना क्या है, सिंपली सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट किससे करना है, दोनों बॉडी का कलर सेम है तो आपको क्या करना है, दोनों का कलर सेम नहीं रखना है, क्योंकि दोनों का कलर सेम रखोगे तो आपको कन्फ्यूजन हो जाएगा। राइट क्लिक करके यहाँ पे जाके बॉडी, जो भी आपका बॉडी है वो बॉडी का कलर एक का अलग कर देना है, क्लियर है। तो मेरा मेन बॉडी है, जो मैंने एक्सट्रूड बॉडी है ये वाला है, तो मुझे सब्ट्रैक्ट किसको करना है, इसको सब्ट्रैक्ट करना है, राइट।
उससे पहले आपको एक काम और करना पड़ेगा, इन द सेंस क्या करना है, सब्ट्रैक्ट। अगर मेरा मेन बॉडी ये है और इससे मैं इसको सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं तो ये बॉडी हो जाएगा गायब, गायब हो जाएगा ना। इससे पहले, इसको गायब करने से पहले इस बॉडी को एक डुप्लीकेट बॉडी बनाना पड़ेगा। डुप्लीकेट बॉडी बनाने के लिए कॉपी को ऑन कर लेके इसको बॉडी को सिलेक्ट कर लो, ठीक है, ओके कर दो, एक नया बॉडी बन गया है। ये मैं थोड़ा जल्दी बता रहा हूँ क्योंकि वीडियो लंबा नहीं करना चाह रहा हूँ। किसी को दिक्कत है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है, और इसको जरूर करके देखना, मैं पार्ट शेयर कर दूंगा आपके साथ। जिसको भी क्लासेस वगैरह लेना है, नीचे नंबर मेंशन दे, स्टूडेंट्स का भी मॉडल डिजाइन मैं कराता हूँ, नीचे नंबर मेंशन दे, कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, अट्रैक्टिव ऑफर वगैरह चल रहा है। मेन बॉडी ये हो जाएगा, बॉडी टू कॉम्बाइन ये हो जाएगा खत्म। तो एक जो कॉपी बॉडी था, ये वाला कॉपी बॉडी रह गया, दूसरा वाला बॉडी आ गया मेरा, ठीक है। अब देखो कोर जो है, मैंने एक्सट्रूड जो किया था कोर का, इसको मैं थोड़ा सा डायमेंशन बढ़ा सकता हूँ क्या? हाँ मैं बढ़ा सकता हूँ, इसको जो है मैं 90 mm कर देता हूँ, ठीक है। तो इसको मैं ऐसे करके आप हिस्ट्री में बढ़ा भी सकते हो। अब देखोगे आपके पास, जैसे मेरा केविटी है परफेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है, कोर में पार्ट भी आ गए मेरे पास, पार्ट जो है कोर में मेरे पास आ गया है। अब मुझे इसको हटाना है, कैसे हटाऊंगा मैं इसको, तो मुझे हटाना पड़ेगा, है ना। इसको हटाने से पहले यहाँ पे मैं थोड़ा हल्का सा रेडियस का काम कर देता हूँ, 1, 2, 3, 4, यहाँ पे मैं कितने का रेडियस डाल रहा हूँ, 15 का डालूंगा मैं, ठीक है, ध्यान रखना यहाँ पे मैं 15 का रेडियस डाल रहा हूँ, ठीक है। अब जो ऊपर वाला ब्लॉक है, इसको मैं सॉलिड बॉडी लेके ले आता हूँ, मैं ओके कर देता हूँ। ऊपर वाले मैंने कितने का डाला, मैं 15 का डाला, अब इसमें डालना है। अब इसमें 15 का नहीं डालूंगा मैं, क्योंकि दोनों सेम नहीं होता, इसमें रिलीफ होता है, रिलीफ, इसका रिलीफ होता है, ठीक है। रिलीफ में हम क्या करेंगे, यहाँ पे अगर डाला है, यहाँ पे 14 तक डाल सकता हूँ मैं, ठीक है, 15 डाला है ना, यहाँ पे 13 डाल देता हूँ। दोनों में गैप होना चाहिए बेसिकली, ये मैं बोलने का तरीका ये है, दोनों में गैप होना चाहिए, ठीक है। आप इसको भी लाओगे एक बार, उसको भी ले आओ सॉलिड बॉडी में जाके, ठीक है। अब इसको अगर मैं ट्रांसपेरेंट कर देता हूँ, मैं यहाँ पे अगर इसकी ट्रांसपेरेंसी 6 ट्रांसपेरेंसी कर देता हूँ, आप देखोगे दोनों के बीच में गैप है, राइट। तो ये जो गैप है ना, ये गैप होना चाहिए, ये जो गैप है दोनों में रिलीफ होना चाहिए, ये जरूरी है, ठीक है। अब मेरा इसके बाद जो है मेरा काम है, अब मुझे पार्ट को सब्ट्रैक करना है, मेरा जो पार्ट है उसको सब्ट्रैक करना है। इसका काम हो गया मेरा, इसको हाइड कर देता हूँ, मेरे को पार्ट को सब्ट्रैक कर देना है। तो पार्ट और उसके कलर सेम है, तो इसको मैं भी, इसका भी मैं सेंस करूंगा बॉडी में जाके, इसका मैं कोई अलग कलर डाल देता हूँ, ठीक है। इसका जो मैं है ये वाला कलर डाल देता हूँ, क्योंकि कन्फ्यूजन ना हो। उसके बाद मैं पार्ट को ले आता हूँ, जो मेरा पार्ट है, पार्ट मतलब स्केल बॉडी जो मैं ड्राफ्ट लगा रखा हूँ। अब इसको क्या करना है, सब्ट्रैक करना है, इसको सब्ट्रैक करना है मुझे। और ये जो आप देख पाओगे, ये जो ड्राफ्ट है ये किस में चला गई, उसमें चला गया, ठीक है। अब मुझे सब्ट्रैक करना है, सब्ट्रैक करने से पहले मुझे एक बॉडी और बनाना पड़ेगा। किसका बॉडी चाहिए, इसको सब्ट्रैक करना है, तो इसकी एक डुप्लीकेट बॉडी बनाना पड़ेगा, नहीं तो मेरा बॉडी जो है गायब हो जाएगा। बॉडी बना दिया मैंने, अब मैं फिर अगेन आऊंगा फिलेट 2 में, आने के बाद फिलेट 2 में सही है कि 1 में सही है, फिलेट 1 में सही है, मतलब कोर में सही है। तो कोर को मैं क्या करूंगा, सब्ट्रैक कर दूंगा, कॉम्बाइन बॉडी, बॉडी टू सब्ट्रैक, ये क्लियर, मेन बॉडी और सब्ट्रैक। मेन बॉडी कौन सा होगा, ये वाला हो गया, सब्ट्रैक इसको करना, इसको करके ओके कर दूंगा, ठीक है। तो यहाँ देख पाओगे, यहाँ पे जो है सब्ट्रैक हो गया है। अब इसको हाइड कर दोगे ना, तो आप देखो यहाँ पे आपका सब्ट्रैक हो गया। अब ये जो पार्ट था, इसकी हम कलर चेंज करेंगे, क्योंकि मैंने इसको सब्ट्रैक कर दिया है। अब दोनों सेम कलर में हो नहीं सकता है, इसको अलग कलर में डालना पड़ेगा, अलग कलर में सिलेक्ट करके ओके कर दिया। तो ये मेरा क्या आ गया, कोर बन के आ गया। अब देखो, लेकिन मेरा जो कोर है उसमें स्लाइडर है, जैसे मैं यहाँ पे पार्ट लाऊंगा, तो पार्ट लाऊंगा तो यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे मेरा स्लाइडर है, ये जो एरिया स्लाइडर है। तो अब इसको बनाना है, इसको बनाने के लिए क्या करूंगा मैं, इसको हाइड करा। देखो अब ये जो काम करने जा रहा हो, बहुत सिंपल तरीके से आप बना सकते हो, कभी भी मोल्ड डिजाइन करो, ठीक है, सॉलिडवर्क्स में कभी भी मोल्ड डिजाइन करो। बेसिकली मैं सिंगल केविटी में बना रहा हूँ, और आपको मैंने ये बताया था दोनों के बीच में मैंने गैप के लिए बताया था, तो इसको जो है मैं मूव कर दूंगा, एक ही फेस को सिलेक्ट करना है, ठीक है। इसको मैं क्या उस डायरेक्शन में मूव कर दे रहा हूँ, ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो इसको कितना कर रहा हूँ, -2 mm जो है फ्लिप डायरेक्शन। एक सेकंड, मैंने गलत सरफेस सिलेक्ट कर लिया, मूव बॉडी सिलेक्ट करा,
कौन सा वाला सरफेस? ये वाला सरफेस 2 mm आगे की तरफ आया, फ्लिप डायरेक्शन नीचे की तरफ कर दिया, ठीक है। अब दोनों में बटिंग नहीं होगा, ठीक है, कभी कभी इसकी वजह से ना फिटिंग में दिक्कत आती है, तो ये जो है गैप कर दिया, इसको बोलते रिलीफ देना, क्योंकि ये सरफेस मेरा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये रिलीफ में रहेगा मेरा, ठीक है। और यहाँ पे रेडियस यूज करना है तो आप रेडियस भी यूज कर सकते हो। अब आते हैं स्लाइडर के बारे में, ठीक है। स्लाइडर जो है उसके लिए आपको क्या बनना पड़ेगा, एक तो आपको स्केच बनाना पड़ेगा इस साइड में, स्केच बनाने के बाद इसको सेक्शन कर दूंगा हाफ में और इसको कर दूंगा मैं ओके, ठीक है। अब उसके बाद जो है इसको कर दूंगा मैं ये वाला, अब राइट क्लिक करने के बाद मैं जो इसको कर दूंगा ये वाला सरफेस को ऑन कर दूंगा, ये वाला को कर दिया। अब एक स्केच लेना है 2 point वाला, लेके यहां से यहां तक जितना भी आपको चाहिए उस अकॉर्डिंग आपको लाना है, लेकिन ध्यान रखना ये इंक ड्राफ्ट में होता है तो इसका जो है 0.2 point करना है 5 mm का, और यहां से लेके और इसके जो ऊपर का पॉइंट है यहां से भी इसको जो है 5 mm रखना है, ठीक है, ये ध्यान रखना है, बाहर नहीं आना चाहिए। अब ये तो डायमेंशन राउंड वैल्यू होना पड़ेगा, तो इसको मैं कर दूंगा अराउंड 38 का कर देता हूं मैं, तो ये मेरा राउंड वैल्यू हो गया, ठीक है। अब यहां पे हल्का सा मैं रेडियस का यूज कर सकता हूं, लाइक ये 10 mm का रेडियस है, इसको मैं 5 mm का रेडियस डाल सकता हूं सेम यहां पे, और इसके मैं 5 mm का मैं रेडियस यूज कर सकता हूं। एग्जिट कर देता हूं मैं, एग्जिट करने के बाद मेरे को ये देखना है, ये जो मेरा स्केच है, ये जो मेरा स्केच यहां पे आ गया है, अब इसको मुझे काम पे लाना है जो मैंने बनाया है। अब इसको मैं एक्सट्रूड करूंगा, मेन कहानी जो है यहां से स्टार्ट होता है, आपको ध्यान से देखना है, ठीक है। फ्लिप डायरेक्शन 85 mm, कितना mm फ्लिप करना है, इसमें ताश नहीं होना चाहिए, इसमें ताश नहीं होना चाहिए, मेरे को मेन टारगेट ये है, ठीक है। अब यहाँ पे जो मैंने मार्स बॉडी है इसको ऑन करके रखा है, इसको आपको ऑफ कर लेना है, ठीक है। एक बॉडी आ जाएंगे आपके पास, एक बॉडी आ जाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, डायरेक्ट एडिटिंग में जाने के बाद एक इसकी डुप्लीकेट बॉडी बनाना पड़ेगा क्लिपी ऑन करके, क्योंकि ये जो बॉडी है वो गायब होने वाला है। हम क्या करेंगे, सब ट्रैक में जाएंगे, ठीक है, कंबाइन में जाएंगे, कंबाइन में मेरा मेन टूल बॉडी ये हो गया और बॉडी टू सब ट्रैक ये हो गया, कॉमन में जाना है, ठीक है, सॉरी कॉमन में जाने के बाद दोनों बॉडी को सिलेक्ट करना है, एक सेकंड में कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, कॉमन इन ये बॉडी और ये बॉडी दोनों में जो कॉमन है वो सही, मेरे को ओके कर दिया, आ गया, एक बॉडी गायब हो गई। अब इस बॉडी को सबट्रैक करना है, इस बॉडी को सबट्रैक करना है, किससे, इसको सबट्रैक करना है। अगर मैं डायरेक्ट सबट्रैक करता हूँ तो क्या दिक्कत होगा, मेन टूल ये हो गया और सबट्रैक टूल ये हो गया, इसको मैं डायरेक्ट सबट्रैक करता हूं तो ये वाला गायब हो जाएगा, है ना। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एक और कॉपी बनाना पड़ेगा। अब कॉपी बनाने का कहानी समझ पा रहे हो ना, इसका कॉपी बनाना है, इसका कॉपी बनाना है, ओके कर देना है, यस। अब हम सबट्रैक करेंगे, किससे, मेन टूल कौन सा होगा, ये सबट्रैक किसको करना है, ये एक एक करके एक ओके कर दो। अब मेरा स्लाइडर वाला पोर्शन बन गया यहाँ पे, क्लियर। अब जो स्लाइडर को है मैं सेम कलर में रखता हूँ, और जो बाकी का बॉडी है, जो ये मेरा बॉडी है, ये मेरा बॉडी है, इसको मैं अलग कलर पे हाईलाइट करूंगा, सेक्शन को हटा दो, इसको हम जो है अलग कलर में हाईलाइट करेंगे बॉडी में जाके, ठीक है, इसको हम जो है इस कलर में ही रखते हैं, ओके कर देते। तो आपको ये स्केच है, इसको नहीं चाहिए। देखो आपका जो स्लाइडर है वो बन के आ गया है, ठीक है। अब आपको क्या बनाना है, पिलर सेट बनाना है, स्लाइडर बना गई, स्लाइडर का ब्लॉक बन गया। अब स्लाइडर को कैसे लगाना है वो मैं अलग से बताऊंगा। यहाँ तक आपको समझ में आ गया है किस तरीके से मैंने पार्टिंग को बनाना, बेसिकली 2 cavity में बनाना था, मैं सिंगल cavity में बनाया कि आप अच्छे से समझ पाओ। अगर कुछ चीजें कमेंट सेक्शन में पूछना है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। इसको भी क्लासेस वगैरह लेना है तो उसके नंबर मेंशन है, इसी तरीके से क्लासेस सिखाते हो और एडवांस मॉड्यूल में कराता हो। ये तो आपका मीडियम लेवल का हो गया, उससे ऑटोमोबाइल में होता है, अलग अलग तरीके से भी कराता हूँ, ठीक है। आप देख सकते हो मेरा प्लेलिस्ट में जाके वीडियोज वगैरह आप देख सकते हो किस तरीके से कराता रहता हूँ, आप देख पाए हो। तो इसी तरीके से करना है। अभी यहाँ पे हमको गाइड पिलर वगैरह बनाना है, तो सारा बॉडी को एक बार मैं ऑन करके आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। तो ये जो है आपका होम दबा के, ये मेरा क्या हो गया, सबसे पहले ये जो मेरा फेस हो गया इसको हम ट्रांसपेरेंसी कर देते हैं, ठीक है। आप देख पाओगे ये मेरा जो है 4 cavity वाला सीन है, यहाँ पे मेरा स्लाइडर चलेगा, ठीक है। स्लाइडर ब्लॉक कैसे चलेगा, उसके लिए मैं क्या माउंट करूंगा, वो अलग क्लास हो गया। यहाँ पे रिलीफ दे दिए, यहाँ पे रिलीफ बना रखा हूँ मैं, देख पा रहे हो आप, ठीक है। इसी तरीके से आपको बनाना है। आई होप आपको वीडियो समझ में आ गया। किसी को भी कुछ कमेंट सेक्शन में पूछना है तो आप पूछ सकते हो, ठीक है। इसी तरीके से क्लासेस वगैरह लेते रहता हूँ, जिसको भी क्लासेस वगैरह ज्वाइन करना है नीचे नंबर मेंशन दे, आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो। इसी तरीके से क्लास चलते रहता है, मेरा बैच वगैरह में चलते रहता है,
अलग अलग ऑफर भी चलते रहते हैं, एक बार आप इंक्वायरी कर सकते हो, नंबर मेंशन है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा, तो आज के वीडियो में इतना ही था। अगर इसी तरीके से सपोर्ट मिलेगा तो और आपको वीडियो बनाते रहूँगा। इसको भी इसका आगे वाला वीडियो चाहिए कमेंट सेक्शन में मेंशन करें कि इसका आगे वीडियो चाहिए, किसी को कुछ पूछना होगा तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, नंबर मेंशन है, वहाँ पे कॉल वगैरह भी कर सकते हो क्लासेस के लिए। तो आज के लिए इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।